रेडियो जी ये बताइए कि यहाँ पर बहुत सारे बग आते हैं और ये बताते हैं कि बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, और क्या सच्चाई है इस यहाँ के धाम की? जय श्री श्याम। श्री खाटू श्याम निवास धाम पानीपत की जो सच्चाई है वो ये है कि बाबा श्याम और स्वामी जी का अटूट प्रेम और गहरा संबंध है, जिसके कारण आज बाबा श्याम खाटू से श्री खाटू श्याम निवास धाम पानीपत पर सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। बाबा श्याम ने शीश का दान चुलकाना गांव में दिया है। बाबा श्याम को जो वरदान है वो ये है कि तुम कलयुग में खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे, ना कि कोई ऐसा वरदान है कि तुम चुलकाना धाम के नाम से पूजे जाओगे। चुलकाना गांव में संत मनोहर दास स्वामी जी हुए, बाबा श्याम ने उन्हें दर्शन दिए और बताया कि मैं यहाँ हूँ, तो स्वामी जी ने वहाँ शंख बजा दिया। चुलकाना गांव उस समय पठानों का होता था और पठानों का उस समय दबदबा होता था। पठानों ने स्वामी जी के साथ दंगा मस्ती की। रात्रि को एक ऐसा शंख बजा जो पूरी रात बजता रहा। जो शंख स्वयं मालिक बजाता हो वो दूसरे तरीके का शंख होता है। पूरी रात कान फोड़ दिए। सुबह पूरा गांव स्वामी जी के चरणों में आन पड़ा और बोले, स्वामी जी हम आपको पहचान नहीं पाए। उस समय से चुलकाना धाम की पूजा शुरू हुई थी, जो आज भी स्वामी जी की समाधि पर श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। बाबा श्याम उनकी झोली खुशियों से भर देते हैं। और श्री खाटू श्याम निवास धाम पानीपत पर भी बाबा श्याम ने श्री सुभाष सिंह स्वामी जी को दर्शन दिए और आगे के लिए मार्गदर्शन किया। यहाँ पर अब कलयुग बहुत बढ़ गया है, शायद संसार को इस पर विश्वास ना हो, इसीलिए बाबा श्याम ने प्रैक्टिकल दिखाया है। यहाँ पर ऊजा गांव वालों के जैसे ऊजा गांव वालों के मुख बोले और कई भक्तों को दर्शन भी दिए हैं, और चमत्कारों की तो गिनती ही नहीं, जो हर रोज नए चमत्कार देखने को मिलते हैं। ये महिमा है श्री खाटू श्याम निवास धाम पानीपत की। जय श्री श्याम। कहाँ के रहने वाले? बिहार। यहाँ कहाँ रहते हो? बिहार नगर। कब यहाँ पे आए थे और किन दिक्कतों के कारण आए थे? मुझे यहाँ पिछले 14 तारीख को पता हुआ, बाबा श्याम का बहुत कृपा है और उनकी कृपा को सुनने के बाद मैं इनके पास आया, जिससे मुझे बहुत ताकत मिली, बहुत सहारा मिला और मैं ठीक हो गया। क्या क्या बीमारी थी, क्या दिक्कत? मेरे किडनी में बहुत दिक्कत थी, मैं बार बार पीजीआई जाता था चंडीगढ़, हर सप्ताह में 2-3 बार जाना पड़ता था, और इधर मैं लगभग 20 दिन से बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। इस दौरान मुझे जाना नहीं पड़ा है और मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सब कुछ ठीक हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है मेरे अंदर। किसकी शक्ति मानते हैं ठीक होने में, किसका श्रेय देंगे? मैं बाबा श्याम का ही श्रेय दे रहा हूँ, क्योंकि जब से मैं इनका ध्यान किया हूँ मेरे अंदर बहुत शक्ति जग गया है। सुभाष जी, क्या सच्चाई है, क्या ये जो गद्दी पे बैठे हुए हैं ये बखान कर रहे हैं, कैसे कितनी सच्चाई है इन दावों? देखिए, सच्चाई संसार के सामने है। आज भी सत्संग में एक ऐसे भगत बैठे हुए हैं जिनकी किडनी खराब थी, और जब वो सत्संग श्री खाटू श्याम निवास धाम पानीपत पर जब वो शुरू में आए, बाबा श्याम का 14 तारीख को मेला था, तो मेले से पहले वो भगत आए थे जिनकी किडनी खराब थी, और हर महीने चंडीगढ़ पीजीआई से उनका खून बदला जाता था, जो दो आदमी उनको पकड़ के ले आए थे, और आज भी वो हमारे बीच में ही बैठे हुए हैं, जो आज बाबा श्याम की कृपया से वो ठीक हैं और कसी चलाते हैं। तो ये सच्चाई संसार के सामने है।
काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर, पूछेंगे हम बताएंगे आप। खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।